व्हीकल कोर्ट के सामने 5 मई को दोपहर 1 बजे के आसपास कोर्ट संकुल के सामने ज्वेलर्स के शोरूम के सामने सूरज यादव को चप्पू का असॉल्ट करके उसको मर्डर किया। बाद में आरोपी केबल ब्रिज साइड भाग गए थे। बाद में हमारा डीसीपी सागर, एसीपी मल्होत्रा, हमारा पुलिस इंस्पेक्टर राजपूत ओपेंस जहां बना था वहां विजिट की, सीसीटीवी फुटेज देखा, टेक्निकल एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया और पब्लिक के साथ बातचीत करके अलग अलग टीम बना के आरोपी अरेस्ट करने की कार्यवाही की। शाम को 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास उमरा पुलिस स्टेशन की टीम ने करजान टोल टैक्स के आगे एक होटल के पास दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया। उमरा पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर करके आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस इंस्पेक्टर राजपूत कर रहा। सर, हत्या किस वजह से हुई, क्या वजह थी? हत्या सूरज यादव ने, आगे जो करण सिंह और धीरज का सागरित का मर्डर किया था, इस बारे में ये मर्डर किया। आरोपी और मरने वाले की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है? जो आरोपी है करण राजपूत, उसकी सचिन पुलिस स्टेशन में 6 ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं और 6 ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया हुआ है। जो मरने वाला उसका हिस्ट्री, सूरज यादव की हिस्ट्री तो अभी मिली नहीं है। ये उसने मर्डर किया था, वो मर्डर, उसने भी मर्डर का ही आरोपी है सूरज यादव भी। ये तो सूरत में कोई गैंग नहीं है, उसका सागरित बॉस मतलब यूपी पासिंग का कोई मोटरसाइकिल है, इस वजह से वहाँ यूपी में बॉस गैंग के नाम पे वहाँ गैंग थी। या सूरत में कोई बॉस गैंग करके सचिन जीआरडी सी पांडेसरा में कोई गैंग नहीं है। पुलिस जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ, जो क्राइम बना, 2-4-5 घंटे में 21 को अरेस्ट कर लिया है। ये आकस्मिक ऑफेंस बना है, वहाँ पुलिस की हाजिरी भी होती है और अभी कोर्ट संकुल के सामने पुलिस ज़्यादा फोर्स लगा के कोई क्राइम नहीं बने, इसके लिए हमारा पुलिस कमिश्नर तोमर साहब ने विशेष सुरक्षा के लिए सूचना दी गई। इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी पूछताछ में अभी पता चलेगा। ये आरोपियों को क्या पता था वो आज आने वाला, मतलब कल आने वाला है? उसको पता तो होगा, तो ही वो कोर्ट संकुल के सामने आए होंगे। और ये सोशल मीडिया पे जो लोग अपडेट कर रहे थे, रील्स बनाने की वजह कुछ आरोपी ने बताई, रील्स बनाई, वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी पता चलेगा। सोशल मीडिया पर सर अपडेट करने कोई मंशा उनकी साफ, मतलब किस लिए कर रहे थे, किसको बताने के लिए कर रहे थे? नहीं, वो खून का बदला खून ऐसा सोशल मीडिया में वायरल मैसेज हुआ था। सर, टोटल कितने चाकू से वार किया गया गांव? कितने गांव? गांव 15-17 घा मारा होगा। ठीक है, थैंक यू।